नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविंदर ब्लॉग पर। दोस्तों आज हम फिर आए हैं मगर जो कि नए वीडियो के क्लास में, और ये वीडियो काफ़ी अच्छा बनने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं संत कबीरदास जी का मूर्ति, और हमें कबीरदास जी के बारे में जितनी जानकारी है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि इस ज़िले का नाम है ज़िला संत कबीरनगर, जो कि कबीरदास जी के नाम से पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं संत कबीरदास जी का मूर्ति, आइए हमारे। दोस्तों ये रहा बोर्ड, जो कि बोर्ड पे लिखा गया है संत कबीर अकादमी मगहर जनपद संत कबीर नगर। अब दोस्तों यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे संत कबीर दास जी का मूर्ति है। चलिए दोस्तों इसी तरह वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, दोस्तों ये रहा मेन गेट, जो कि काफ़ी बड़ा बनवाया गया है और सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं अच्छे। दोस्तों 500 मीटर की दूरी तय करके हम आ गए गेट के अंदर। पहले हम आपको संत कबीरदास जी का मूर्ति दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा संत कबीरदास जी का मूर्ति, जो कि मूर्ति का हाइट लगभग 8 फीट है, आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे रोज़ाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं और आप यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी जनसंख्या में लोग मौजूद हैं इस टाइम। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे अक्सर मूवी की शूटिंग होती रहती है, मगर इस टाइम नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है काफ़ी सुंदर लोकेशन है, आप देख सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों आप अपना नज़र पहुँचाएँगे वहाँ तक आपको केवल एक सुंदर लोकेशन ही दिखेगा। दोस्तों हम आपको बता दें जो कबीरदास जी थे उनका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी नगर में हुआ था 1399 ईस्वी में। और दोस्तों जो कबीरदास जी के माता पिता थे नीमा और नीरू थे, और कबीरदास जी मैरिड थे, जो कि उनके पत्नी का नाम लोई था, और कबीरदास जी के 2 संतानें भी थे, जो कि पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। तो दोस्तों अब आप देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो समाप्ति के तरफ बढ़ रही है, एक बार आप फिर देख सकते हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा। यहाँ पे रोज़ाना हजारों की संख्या में लोग आते रहते हैं क्योंकि यहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा, यहाँ आने से बहुत अच्छा फीलिंग होता है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता, मन तो करता कि यहीं पे हमेशा हम रहें। यहाँ पे देखिए नारियल के पेड़ लगाए गए हैं, इनका हाइट तो काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों अब कबीरदास जी के मृत्यु के बारे में चर्चा किया जाए, तो उनका मृत्यु उत्तर प्रदेश के ज़िला संत कबीर नगर के एक छोटे से शहर मगहर में हुआ था, जो कि आज हम मगहर मौजूद भी हैं। तो दोस्तों आज के समय में जगह बहुत फेमस है जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो समाप्त होती है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।